हेलो एंड वेलकम टू मलिक टेक। इस वीडियो में आपको लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके नो कॉस्ट ईएमआई पर कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अभी रिसेंट में मैंने वन प्लस 70 खरीदा है अमेज़न सेल से इस क्रेडिट कार्ड का एचडीएफसी का यूज करके। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है नो कॉस्ट ईएमआई में सामान लेने के लिए, आपका पूरा अमाउंट एक बार कटता है या फिर ईएमआई कैसे आपका कन्वर्ट होता है, खुद से करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली होता है, क्या ईएमआई स्टेटमेंट कैसे बन के आता है, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि आप न्यू यूजर होते हैं, पहली बार क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो आपको ये सब चीजें पता नहीं होती कि कैसे ईएमआई कन्वर्ट होता है, बिल डेट कैसे जनरेट होता है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम अमेज़न की वेबसाइट्स पे आ गए हैं। यहाँ मुझे देख सकते हैं वन प्लस 70 का सेल चल रहा है, ये मुझे परचेज़ करना है। इसकी प्राइस जो है 35,999 रुपये है। यहाँ पर 10% HDFC क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट भी चल रहा है, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर 1500 रुपये मुझे मिलेगा और ये नो कॉस्ट EMI पे भी अवेलेबल है जैसा कि देख सकते हैं। तो इसकी फाइनल प्राइस जो है 35,999 रुपये। बाय नाउ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर नीचे से पेमेंट ऑप्शन में आपको EMI पे आ जाना है और कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करना। तो EMI पे यहाँ पर मेरा कार्ड ऐड नहीं है, तो यहाँ पर हम HDFC का अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करेंगे। ऐड न्यू कार्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मुझे कार्ड नंबर फिलअप करना है और उसके ऐड कर लेना है। यहाँ पर CVV नंबर मुझे डाल देना है उस कार्ड की, जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पर कि जो HDFC का क्रेडिट कार्ड उसे 1500 रुपये डिस्काउंट्स हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर पे इन फुल लिखा रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 3 months, 6 months और 9 months नो कॉस्ट पे अवेलेबल है। बाकी जो है आपका 15% इंटरेस्ट लगेगा। नो कॉस्ट और EMI में डिफरेंस ये होता है कि नो कॉस्ट में आपको जो है इंटरेस्ट का अमाउंट है वो घटा दिया जाता है पेमेंट के टाइम में, जैसा कि अभी देखेंगे आगे कैसे घटता है। जहाँ पर 9 months का करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट जो है 2,061 रुपये हो रहा है, ये 34,499 रुपये मेरा टोटल अमाउंट हो रहा है क्योंकि 1500 रुपये बैंक डिस्काउंट हो चुका है। तो ये 2,061 रुपये जो है इंटरेस्ट अमाउंट है 9 months का, जो कि मुझे और रिड्यूस कर दिया जाएगा पेमेंट के टाइम, और ये बैंक जब फाइनल पेमेंट होता है तो ये आपको देना पड़ता है। यहाँ पर अभी 6 months का देख सकते हैं, 6 months का करेंगे तो 1460 रुपये और 3 months का EMI करेंगे तो 845 रुपये की इंटरेस्ट बनती है। अगर आप सिर्फ EMI में करते तो ये इंटरेस्ट अमाउंट आपको देना पड़ता है, लेकिन नो कॉस्ट में ये EMI जो है इंटरेस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो हम 9 months वाला प्लान चूज़ करते हैं और चूज़ EMI पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं CV नंबर फुल हो गया, यहाँ पर 9 months का मैंने कर लिया, जो कि EMI बनेंगी 3833 रुपये, जो कि 9 months से इंटू करेंगे तो आता है यहाँ पर 34,500 रुपये। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ फाइनल देख सकते हैं कि कॉस्ट थी 35,999 रुपये, 1500 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट हो गया HDFC क्रेडिट कार्ड से और 2,060 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट, क्योंकि नो कॉस्ट का डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट मेरा बन के आएगा 3833 रुपये 22 पैसे एवरी मंथ, ये बन के आएगा 9 months तक, जो कि टोटल अमाउंट जोड़ेंगे तो 34,500 होता है। और यहाँ पर लिखा है 2,060 रुपये जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, जो कि ऑलरेडी आपका रिड्यूस कर दिया जा रहा है, ये लिखा भी है। और टोटल फाइनल अमाउंट जो पे करना है आपको 32,438.05 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड से भी कटेगा। तो यहाँ पर फाइनली जो है सारा चीज़ ओके करके यहाँ पर प्लेस योर ऑर्डर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो रहा है, यहाँ पर OTP आएगा, जो कि मेरे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड से डेबिट होगा 32,438 रुपये टोटल यहाँ पर डेबिट होगा। OTP आने के बाद ऑटोमेटिकली ये वेरीफाइड हो जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ प्रोडक्ट की प्राइस जो है 36,000 रुपये थे, 36,000 में से यहाँ पर HDFC क्रेडिट कार्ड का मैंने यूज़ किया तो 1500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट चल रहा था, ये डिस्काउंट मुझे मिल गया। जनरली ऑफर चलता नहीं है, जब ऑफर डे आता है तभी इंस्टेंट डिस्काउंट का ऑफर होता है, तो 1500 रुपये का यहाँ डिस्काउंट हो गया। तो प्राइस हो गई यहाँ पर 34,500 रुपये, 34,500 से मेरे क्रेडिट कार्ड से सिर्फ कटा 32,438 रुपये। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर नो कॉस्ट EMI का भी ऑफर था, 9 months का मैंने नो कॉस्ट EMI सिलेक्ट किया, तो नो कॉस्ट का जो इंटरेस्ट बनता है 2,060 रुपये 90 पैसा वो मुझे लेस कर दिया गया। वही आप मैं EMI में सेलेक्ट करता यहाँ पर सिर्फ EMI ऑप्शंस लेता तो 34,500 रुपये जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो पूरी मेरी क्रेडिट कार्ड से कटती, लेकिन नो कॉस्ट था तो नो कॉस्ट का डिस्काउंट जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो रिड्यूस कर दिया था। नो कॉस्ट में आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता और सिर्फ आप EMI करते हैं तो वहाँ पर जो 15% इंटरेस्ट है एनुअली वो आपको लगता है। तो यह ऑफर होता है नो कॉस्ट का, तभी ये अवेलेबल होता है। जब भी आप शॉपिंग करें तो वहाँ पर ऑप्शंस देख लें कि नो कॉस्ट है या फिर EMI में सिर्फ दे रहा है। तो नो कॉस्ट होता है तो यहाँ 9 months का मैक्सिमम नो कॉस्ट था, जनरली ये 3 months या फिर 6 months तक का होता है नो कॉस्ट। ऑफर रहने पर 12th month तक का भी आपको नो कॉस्ट EMI मिलता है, नहीं तो जनरली ये EMI ही होता है। तो EMI में कन्वर्ट करते हैं तो ये डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलता इंटरेस्ट अमाउंट का।
यहाँ पर आप लोग के मन में अब सवाल होगा कि मैंने शॉपिंग तो नो कॉस्ट ईएमआई में की, तो यहाँ पर पूरा अमाउंट कट ही गया, तो फिर ईएमआई कैसा हुआ? तो ऐसा नहीं होता है, आप नो कॉस्ट ईएमआई या ईएमआई में आप कन्वर्ट करने के लिए पहले पूरा अमाउंट आपका लिमिट से कट जाता है। जैसे कि देखा है, पूरा लिमिट कट गया। जैसे इस कार्ड की मेरी लिमिट 40,000 थी तब ये अमाउंट ट्रांजेक्शन हो पाया। अगर लिमिट इसकी 20,000 होती तो मैं ये प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता। ईएमआई जो है बाद में कन्वर्ट होता है, पहले जो आपका पूरा लिमिट है वो रिड्यूस हो जाता है, कि पूरा लिमिट आपका यूज हो जाता है। उसके 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज लगते हैं, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है ईएमआई में। आपको कोई कॉल करने की जरूरत नहीं कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आपको कहीं ऑप्शन नेट बैंकिंग में जाकर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये खुद ही कन्वर्ट हो जाता है 5 से 7 दिनों के अंदर। तो अब बात यहाँ पर ये आती है, चेक कैसे करेंगे कि ईएमआई कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ और इसके चार्जेस क्या लगते हैं। तो यहाँ पर ईएमआई कन्वर्ट कैसे हुआ इसके चेक करने के लिए आप एचडीएफसी की नेट बैंकिंग पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप एचडीएफसी की वेबसाइट से विजिट करेंगे, कार्ड सेक्शन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे आपको जाना है जो ऊपर में दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर इंक्वायरी के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है लोन्स अमाउंट लोन्स डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी कार्ड है यहाँ पर दिख जाएगा, और व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका लोन नंबर जनरेट हुआ हुआ दिख जाएगा। जैसा देख सकते हैं लोन अमाउंट जो 32,438 रुपये मेरे क्रेडिट कार्ड से कटे थे वही यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर लोन नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने तारीख को आपका बुकिंग हुआ है और प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना था। तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा जो है 32,438 रुपये थे और इसमें 15% का इंटरेस्ट लगेगा 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि नो कॉस्ट का डिस्काउंट तो पहले ही आपको मिल गया, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस जो था 34,500 रुपये था लेकिन मुझे यहाँ पर 32,438 रुपये ही कटे। तो यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आप पूरे डिटेल देख सकते हैं कितनी तारीख को आपको ईएमआई बन के आएगी और कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट अमाउंट होगा। सभी को जोड़ेंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को, तो 3,833 रुपये ही होगा। आप जोड़ के देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट घट बढ़ रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो ईएमआई आपकी सेम ही रहेगी 3,833 रुपये ही, तो यही आपको पे करना होता है। अब बात करते हैं कितना एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देना पड़ता है इसके अलावा। तो यहाँ पर एक प्रोसेसिंग फी पहले ही आपको काट ली जाती है जैसे ही आपका ईएमआई कन्वर्ट होता है नो कॉस्ट वाला। तो यहाँ पर 99 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर एक प्रोसेसिंग फी बैंक्स लगाती है जो कि 117 रुपये हो जाते हैं। पहले ये नो कॉस्ट ईएमआई पे नहीं लगता था, सिर्फ ईएमआई ट्रांजैक्शंस पे आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ता था। एक्सिस बैंक में अभी भी नो कॉस्ट ईएमआई जब करते हैं तो आप प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देना होता है, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक आपको प्रोसेसिंग फ़ी लगा रही है। पहले मैंने बहुत सारे शॉपिंग किए हैं एचडीएफसी कार्ड से तो वहाँ प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगता था, अब जो है 99 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी लगने लगा है नो कॉस्ट ईएमआई पे भी। ईएमआई ट्रांजैक्शन पे तो हमेशा लग ही रहा था। इसके अलावा मुझे और क्या एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रिंसिपल अमाउंट है, एक इंटरेस्ट अमाउंट है। तो इंटरेस्ट अमाउंट पर हमेशा 18% का जीएसटी लगता है, जो कि आपको बताया नहीं जाता, ये हिडन होता है। तो जितने भी इंटरेस्ट अमाउंट आपके स्टेटमेंट में होते हैं उसमें आपको 18% का जीएसटी देना होता है। जैसे कि मेरा पहला स्टेटमेंट जो बन के आएगा उसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगा 34,75 रुपये और इंटरेस्ट जुटा हुआ होगा 405 रुपये 47 पैसा। तो आपको लगेगा कि मुझे सिर्फ इतना ही पे करना है जो कि 3,833 रुपये होते हैं, लेकिन नहीं, इसमें जो है 405 में 18% का जीएसटी जुड़ के आएगा, जो कि जो भी अमाउंट बनते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। इसी तरह से एवरी मंथ जो है इंटरेस्ट अमाउंट पर 18% का एडिशनल जीएसटी जुड़ के आएगा, जो कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस से वो एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट का प्राइस 34,500 रुपये हुआ टोटल, जो ऐसा ये कहा जाता है नो कॉस्ट ईएमआई में कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते, तो यहाँ पर एक जीएसटी का अमाउंट आपको ऐड हो जाता है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट को मैं टोटल कर दूँ यहाँ पर तो 2,060 रुपये हो जाता है 90 पैसा। इस पर 18% का जीएसटी टोटल पर कैलकुलेट करूँ तो 370 रुपये 96 पैसा ये जीएसटी का अमाउंट हो जाता है, जो कि एडिशनल हो जाता है 34,500 के बाद भी ये एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फी लिया जा रहा है वो आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ें एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाती हैं एज अ जीएसटी जो है इंटरेस्ट अमाउंट पर जो लगता है ये एक्स्ट्रा हो जाता है। यही चार्जेस सिर्फ आपके नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट करने पर लगते हैं। तो आप स्टेटमेंट जब भी चेक करेंगे तो 3 पार्ट में होगा, पहला तो प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा जो है इंटरेस्ट अमाउंट और तीसरा इंटरेस्ट ऑन जीएसटी। ये 3 चीज़ें आपको लिखी होती है, तीनों को जोड़कर आपको पेमेंट करना होता है। सिर्फ पहला स्टेटमेंट में जो है सिर्फ प्रोसेसिंग फी जुटा रहेगा और ये 3 चीज़ें मैंने जो बताई वो चीज़ें रहती हैं। आई होप कि चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, कैसे आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके नो कॉस्ट ईएमआई पे शॉपिंग करना है, कैसे आपका बिल जनरेट होता है, कितना आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। एक चीज़ें आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी कि आपकी क्रेडिट लिमिट अगर 40,000 की है और आपने कोई प्रोडक्ट 30,000 का खरीदा तो आपकी 30,000 की जो लिमिट है वो ब्लॉक हो जाती है।
मीन्स आपका सिर्फ लिमिट जब बचेगा सिर्फ 10,000 ही बचेगा, फिर अगला जो परचेज आपको करना है वो 20,000 का कर पाएंगे। जैसे जैसे आप रीपेमेंट करते जाएंगे यानी कि जो ईएमआईज बन के आई है उसे पेमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे लिमिट इंक्रीज होगा। ये नहीं कि आपकी 40,000 की लिमिट थी, आपने एक प्रोडक्ट जो है ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया 9 महीने के लिए और फिर दूसरा प्रोडक्ट आप बुक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी लिमिट जो है ब्लॉक हो जाती है, जो भी लिमिट मिला है उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। 40,000 की लिमिट थी, 30,000 का कोई प्रोडक्ट आपने खरीद लिया और उसे ईएमआई में कन्वर्ट भी कर दिया तो वो 30,000 की लिमिट आपकी ब्लॉक ही है। अवेलेबल लिमिट्स कार्ड है सिर्फ 10,000 बचेगा, तो उस 10,000 का यूज कर फिर आप जो है परचेस कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 40,000 का फिर से परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोग ये गलती करते हैं, उसमें ओवर लिमिट चार्जेस भी बैंक काट लेते हैं। अगर आप ये करते हैं तो ओवर लिमिट चार्जेस कट जाते हैं, क्योंकि आपकी लिमिट सिर्फ 20,000 बचती है और आप जो है फिर दोबारा 30,000 या 40,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इस तरीके से नो कॉस्ट ईएमआई काम करता है, सभी बैंकों में ये प्रोसेस सेम ही होता है। सिर्फ चार्जेस के आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि किसी में प्रोसेसिंग फी लगता है, कोई बैंक प्रोसेसिंग फी नहीं लेती है, यही कॉन्सेप्ट है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन इंक्वायरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।